कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक जताने के लिए उनके परिवार से मिलने उनके गांव मूसा पहुंचे। राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को सांत्वना दी। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया। पटियाला में उनका काफिला भटक गया था। पटियाला में करीब 20 मिनट तक काफिले को सही रूट पर पहुंचने के लिए भटकना पड़ा। पायलट गाड़ी के पीछे चल रहा काफिला अर्बन स्टेट बाईपास से संगरूर रोड वाला रूट लेने की बजाय सीधे निकल गया। इसके बाद बड़ी नदी से होते हुए स्नोरी अड्डा की तरफ पहुंचे काफिले ने पटियाला पुलिस को सूचित किया तो पुलिस अलर्ट हो गई। बाद में काफिले ने गाड़ी वापस लेते हुए देवीगढ़ रोड पर पहुंचकर सदन बाईपास रूट पकड़कर संगरूर रोड के सही रास्ते का इस्तेमाल किया। इस कारण राहुल गांधी को गांव मूसा पहुंचने में देर हो गई। हालांकि राहुल गांधी के काफिले के रास्ता भटकने को लेकर अभी किसी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौर हो कि सिद्धू मूसेवाला की मानसा में 29 मई को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।